हेलो गाइस, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हाउ फास्ट और हाउ स्लो से हम लोग प्रश्न कैसे बना सकते हैं, ये सीखने वाले डिटेल में। हाउ फास्ट जिसका मतलब होता है कितना तेज या कितने तेज, हाउ स्लो कितना धीमा या कितने धीमा, व्हाटएवर जो भी हो इसका मीनिंग होता है हाउ फास्ट का कितना तेज और हाउ स्लो मतलब कितना धीमा। अब इससे प्रश्न बनाना हम लोगों को इस वीडियो में सीखना है। अगर आप सीखना चाहते हैं वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त मनीष पाटिल और ये हमारा यूट्यूब चैनल डैग इंग्लिश इंस्टीट्यूट और मार्गदर्शक गुरु जी। दोस्तों जैसा कि मैंने वीडियो की शुरुआत में बताया, हम लोग सीखने वाले हैं हाउ फास्ट और हाउ स्लो से प्रश्न कैसे बनाए। अब देखिए यहां पर हाउ फास्ट और हाउ स्लो से कंबाइंड क्वेश्चन बनाए हुए हैं, उसका मीनिंग कैसे निकालते हैं पहले इसको देखते हैं। हाउ फास्ट डज शी राइड स्कूटी, तो हाउ फास्ट को अलग करते हैं। डज शी राइड स्कूटी, क्या वह स्कूटी चलाती है। हाउ फास्ट कितनी तेज, वह कितनी तेज स्कूटी चलाती है, वह स्कूटी कितनी तेज चलाती है, क्वेश्चन हो गया। आगे देखिए हाउ स्लो वाज ही वॉकिंग, हाउ स्लो को अलग करते हैं। वाज ही वॉकिंग, क्या वह चल रहा था। हाउ स्लो कितना धीमा, वह कितना धीमा चल रहा था। हाउ स्लो वाज ही वॉकिंग, वह कितना धीमा चल रहा था। आगे देखिए हाउ फास्ट डिड ही मेक क्वेश्चंस, सो हाउ फास्ट इसको अलग करते हैं। डिड ही मेक क्वेश्चंस, क्या उसने क्वेश्चंस बनाए। Did he make questions? क्या उसने questions बनाए? How fast? कितनी तेज? उसने कितनी तेज question बनाए? किसी व्यक्ति ने बहुत जल्दी जल्दी question बना लिए तो पूछा गया उसने कितनी तेज question बनाए? आगे How slow is he running? तो इसको थोड़ा सा छोड़ते हैं हाउ स्लो को। Is he running? क्या वह दौड़ रहा है? Present continuous का question है। क्या वह दौड़ रहा है? How slow? कितना धीमा? वह कितना धीमा दौड़ रहा है? आगे देखिए How fast does he type computer keyboard? How fast को अलग करते हैं। Does he type? क्या वह type करता है? Computer keyboard को। वह computer keyboard, क्या वह computer keyboard को type करता है? How fast? कितनी तेज? वह computer keyboard को कितनी तेज type करता है? आगे देखिए How slow is that man? How slow is that man? वह आदमी कितना slow है? अगर हम बोलते हैं ना कोई व्यक्ति काम करने में बहुत ज़्यादा slow होता है, वह आदमी कितना slow है? आगे देखिए How fast can we do this homework? So how fast को अलग करते हैं। Can we do? क्या हम कर सकते हैं? This homework, यह गृह कार्य, यह homework, क्या हम यह गृह कार्य कर सकते हैं? क्या हम यह homework कर सकते हैं? How fast? कितनी तेज? हम यह homework कितनी तेज कर सकते हैं? कितनी जल्दी कर सकते वाला सेंस हो गया वो। How slow was she driving a car? So how slow? इसको अलग करते हैं। Was she driving a car? क्या वह कार चला रही थी? Was she driving a car? Past continuous tense का question है। क्या वह कार चला रही थी? How slow? कितनी slow? कितना धीमा? वह कितनी धीमी कार चला रही थी? वह कितना slow कार चला रही थी? ठीक है। How fast can you speak English? So how fast को अलग करते हैं। Can you speak English? क्या तुम English बोल सकते हो? How fast? कितनी तेज? तुम English कितनी तेज बोल सकते हो? आगे देखिएगा। How slow did they do this work? So how slow did they do this work? क्या उन्होंने यह काम किया? क्या उन्होंने यह काम किया? How slow? कितना धीमा? उन्होंने यह काम कितना धीमा किया? तो दोस्तों इस स्लाइड के माध्यम से हमें समझ में आया होगा कि हाउ फास्ट और हाउ स्लो से हम लोग एक्चुअल क्वेश्चन बना कैसे सकते हैं। हाउ फास्ट मतलब कितना तेज और हाउ स्लो मतलब कितना धीमा। आगे देखिएगा। इस स्लाइड में समझने की कोशिश करेंगे कि हम हाउ फास्ट और हाउ नियर से सडन क्वेश्चन कम्युनिकेशन के लिए कैसे बनाएं। जैसे वह कितना तेज बोलता है, अगर हमें यह बनाना है तो पहले क्या वह बोलता है, डज ही स्पीक, कितना तेज, हाउ फास्ट, दोनों को जोड़ दो, हाउ फास्ट डज ही स्पीक, वह कितना तेज बोलता है। आगे देखिएगा, वह कितना स्लो गाना गाता है, वह कितना स्लो गाना गाता है, तो पहले बनाओ क्या वह गाना गाता है, तो डज ही Sing a song, does he sing a song? कितना slow? So how slow does he sing a song? तुम कितनी fast गाड़ी चलाते हो? कार चलाते हो मतलब तुम कितनी fast गाड़ी चलाते हो? So पहले क्या तुम गाड़ी चलाते हो? Do you drive a car? क्या तुम कार चलाते हो? कितना fast? कितनी तेज? So how fast do you drive a car? तुम कितनी तेज गाड़ी चलाते हो? आगे देखिएगा। वह कितना धीमा बोल रहा था, अगर मुझे ऐसा बोलना है, वह कितना धीमा बोल रहा था, पहले क्या वह बोल रहा था, सो वॉज ही स्पीकिंग, कितना धीमा, हाउ स्लो, सो हाउ स्लो वॉज ही स्पीकिंग, वह कितना धीमा बोल रहा था। तुमने कितना तेज
तुमने कितना तेज बोलने की कोशिश की, तुमने कितना तेज बोलने की कोशिश की। तो पहले क्या तुमने तेज बोलने की कोशिश की, नहीं क्या तुमने कोशिश की, डिड यू ट्राई टू स्पीक, क्या तुमने बोलने की कोशिश की, कितना तेज, हाउ फास्ट, तो तुमने कितना तेज बोलने की कोशिश की। आगे देखिएगा, वह कितना धीमा लिख रहा है, वह कितना धीमा, कितना स्लो लिख रहा है, तो क्या वह लिख रहा है, इज ही राइटिंग, कितना धीमा, आगे लगा लो हाउ स्लो, सो हाउ स्लो इज ही राइटिंग, वह कितना धीमा लिख रहा है, उसने कितना तेज कंप्यूटर ऑपरेट किया, उसने कितना तेज कंप्यूटर ऑपरेट किया, तो पहले बनाओ क्या उसने कंप्यूटर ऑपरेट किया, डिड ही ऑपरेट कंप्यूटर, डिड ही ऑपरेट कंप्यूटर, कितना तेज, हाउ फास्ट, आगे लगा दो, सो हाउ फास्ट डिड ही ऑपरेट कंप्यूटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, वह कितना स्लो बिजनेस को रन कर रहा है, वह उसका बिजनेस कितना स्लो चला रहा है, तो देखिएगा क्या वह बिजनेस रन कर रहा है, पहले उसका इंट्रोगेटिव बनाओ, सो इज ही रनिंग हिज बिजनेस, क्या वह उसका बिजनेस चला रहा है, कितना धीमा, कितना स्लो, सो हाउ स्लो, सो हाउ स्लो इज ही रनिंग हिज बिजनेस, वह कितना तेज दौड़ा, क्या बोला मैंने, वह कितना तेज दौड़ा, पहले क्या वह दौड़ा, सो डिड ही रन, क्या वह दौड़ा, डिड ही रन, कितना तेज, सो हाउ फास्ट, वह कितना तेज दौड़ा। तुम कितना स्लो बोलते हो, तुम कितना स्लो बोलते हो, तो पहले क्या तुम बोलते हो, डू यू स्पीक, कितना स्लो, सो हाउ स्लो, सो हाउ स्लो डू यू स्पीक। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं स्लाइड के माध्यम से आपको हाउ फास्ट और हाउ नियर, इससे एग्जैक्ट क्वेश्चन बनाए कैसे जाते हैं वो सडन समझ में आ गया होगा। आगे वाले वीडियोस में मिलेंगे कुछ और नए WH वर्ड्स से बनने वाले क्वेश्चन से संबंधित प्रश्न बनाने वाले वीडियोस में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड।